लोग को ये देखने वाला था कि कितना मस्त है। आप देख सकते हो पहाड़ का इलाका है, वो जो बिल्कुल पहाड़ का इलाका है, और दरिया है, खाड़ी है, बहुत बड़ा खाड़ी है जो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आप सबको फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त एंड बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को गुड आफ्टरनून। अभी बज चुका, आप देख सकते हैं 2:40 हो गया है, 2:40 हो गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? और आज हम करेंगे मोटो ब्लॉग, और वो मोटो ब्लॉग किसमें करेंगे, हम साइकिल से करेंगे। आप देख सकते हैं ये है हमारा साइकिल, और आप देख सकते हैं ये हमारा वो सोसाइटी। अभी हम सोसाइटी से साइकिल लेके जाएंगे, और साइकिल से हम आज करेंगे मोटो ब्लॉग। हम आज साइकिल से मोटो ब्लॉग करेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम साइकिल में बैठ गया है, जैसे हम बताया अभी दोपहर का टाइम है, और आज करेंगे मोटो ब्लॉग। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रहिए, ब्लॉग शुरू से एंड तक देखिए, और आज का ब्लॉग कुछ खास यूनिक होने वाला है, और आज होगा मोटो ब्लॉग। आप देख सकते हैं अभी मैं साइकिल से लेके निकल रहा हूँ, और हम जाएंगे अभी पीके रोड से, और मेरी सोसाइटी से लेफ्ट साइड ही, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अभी भी मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ, और आज पीके रोड पे जाएंगे। ये है पीके रोड, आप देख सकते हैं, और आगे आएगा अभी साई धाम, और ये है साई धाम सर्कल, और अभी साई धाम क्रॉस करेंगे। आप बिल्कुल देख सकते हैं, और ये साई धाम है, और साई धाम से साई धाम क्रॉस करेंगे। आज का ब्लॉग जैसे मैं आपको बताया था, आज का ब्लॉग हम मोटो ब्लॉग करेंगे साइकिल से, और कितना लंबा तक कर पाएंगे देखेंगे। और आज का ब्लॉग खास कुछ होने वाला है मोटो ब्लॉग, और हर जगह में आपको ब्लॉग में बताता रहूँगा। मोटो ब्लॉग है तो रत्ना सुपर मार्केट, आप देख सकते हैं ये है रत्ना सुपर मार्केट। और अभी हम सर्कल पे है, रत्ना सुपर मार्केट पास में ही है, और मोटो ब्लॉग करेंगे, और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रहिए बिल्कुल, और हम आपको बताते रहेंगे आगे अच्छा से अच्छा ब्लॉग करेंगे आज बिल्कुल। आप देख सकते हैं अभी भी मैं साइकिल पे है, और अभी तो ब्लॉग करेंगे, इतना लंबा जाएंगे देखेंगे। और दोस्तों ये है कालिदास गार्डन, पीके रोड पे जाते ही लेफ्ट साइड में आप लोग को आएगा। आप देख सकते हैं ये गार्डन कालिदास गार्डन, मैंने सोचा इसका भी थोड़ा व्यू आप लोगों को बता देते अच्छा रहेगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये है कालिदास गार्डन। Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the... I'm in the island on a Wednesday, laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want. तो दोस्तों बाजू में कालिदास गार्डन था, तो मैं आप लोगों को थोड़ा उसका व्यू दिखा दिया, और अभी हम चलते हैं फिर साइकिल से मोटो ब्लॉग करने को। यह है इसका गेट, और आप देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं गेट का बाहरी आ चुका है, और हमारा साइकिल यहाँ पे खड़ा है, और स्टार्ट हो गया फिर मोटो ब्लॉग। मज़ा आ जाएगा आज का ब्लॉग में, और मोटो ब्लॉग करने में मज़ा आ जाएगा। आज का मोटो ब्लॉग कितना लंबा तक होता है हम आपको बताते रहेंगे, आप लोग देखिए। आप देख सकते हैं कालिदास का मेन गेट है, और हम कालिदास मेन गेट क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रही है, आज का ब्लॉग अच्छा खास होने वाला है। और आगे हम पहुंचने वाला है पांच रास्ता, और मैं आज जो मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ मोलोन का है, और मोलोन और थाने दोनों का ही रहेगा मिक्स, मोलोन एंड थाने। अभी मैं मोलोन में है, तो इसका बाद थाने जाएंगे। ब्लॉग तो कर रहे हैं अभी, ब्लॉग कैसे लग रहा है आप लोग ने कमेंट कीजिए। और दोस्तों, और आप लोग हमारा चैनल पर फर्स्ट टाइम है, नया है, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हम इसी तरीका अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोग को देते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।
दोस्तों ये है पांच रास्ता, और पांच रास्ता का सिंगल लगा है आप देख सकते हैं, और अभी हम सिंगल के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी सिंगल हो चुका है ग्रीन, आप देख सकते हैं। अभी हम भी जा रहे हैं तो का साथ में है, और आप देख सकते हैं आज का ब्लॉग, जैसे हम आपको बताएं कि आज का ब्लॉग बिल्कुल ब्लॉग करने वाला है, वेरी ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रही है। पांच रास्ता क्रॉस कर गया है, और अभी और एक सिंगल आ गया है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल साइकिल में। अच्छे से मस्त लग रहा है आज का ब्लॉग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ब्लॉग बनाने के लिए, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो ब्लॉग और अच्छा बनाएगा हम लोग के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया डंपिंग रोड क्रॉस करा, तो डंपिंग रोड को राइट साइड में आप देख सकते हैं एक मॉल है, क्रोमा है, और इसमें बहुत सारा मिलता है सामान, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। और जैसे मैं आपको बताया है, और ये क्रोमा है, और उसका बाजू में क्विनर है, और ये क्रोमा आप देख सकते हैं बिल्कुल, और उसका बाजू में ये क्विनर है, जैसे ये क्विनर है और उसका बाजू में क्रोमा है, और इसमें से इलेक्ट्रिक का सामान मिलता है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक का सामान मिलता है, और अच्छा अच्छा और ब्रांड है, और अच्छा कंपनी का है सब, और क्रोमा कंपनी का है जैसे आप बताया, आप इसमें भी ख़रीद कर सकते हैं। और ये लोकेशन चकनाला और पांच रास्ता बीच में आता है आप देख सकते हैं, और उसका बिल्कुल बगल में अभी चकना का आ गया है, यह है चकना का है। अभी हम इससे राइट लेंगे, और राइट लेंगे तो हमको थाना मिलेगा, हम इसे अभी राइट लेंगे, राइट लेंगे तो हमको थाना मिलेगा। और ये मेट्रो ट्रेन के लिए रोड बन रहा है, और मेट्रो जाने के लिए मुंबई का मेट्रो, और ये थाना का है, और अभी आप देख सकते हैं अभी मैं आ गया है थाना। और आज का ब्लॉग जैसे मैं आपको बताया आप मोलोन में होगा, और मोलोन एंड थाना दोनों का मोटो ब्लॉग रहेगा आप देख सकते हैं। अभी मैं चेकने का क्रॉस करने वाला है टूल नाला, इतना लोकेशन अच्छा लग रहा है, मेट्रो बन रहा है, उसका नीचे गार्डन जैसा बना है मस्त। और आज हमें अभी नेशनल पे, उसके बाद हम नेशनल हाईवे पे मुझे ब्लॉक करेंगे, नेशनल हाईवे पे मुझे ब्लॉक करेंगे बिल्कुल आप देखेंगे, और हम आपको दिखाएंगे साइकिल से करेंगे मुझे ब्लॉक और नेशनल से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है बाजू में टिप टॉप है, और टिप टॉप होटल है आप देख सकते हैं, यह टिप टॉप होटल है, और ये जो है टिप टॉप होटल है, और ये थाना में है, टिप टॉप होटल है थाना में, और इधर से फंक्शन वगैरह सब भी होता है, शादी का अटेंड कर सकते हैं सब कुछ, इधर फंक्शन होता है। और ये अभी हम देख सकते हैं थाना में भी जा रहे हैं, तो मेट्रो ट्रेन के लिए इधर रोड बन रहा है, खुदाई चल रहा है आप देख सकते हैं। और ये पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, भारत पेट्रोल पंप है, और हम भारत पेट्रोल पंप क्रॉस कर गया है थाना में है, जो टिप टॉप का आगे ही पड़ता है, और आगे आएगा हाईवे, ओवर ब्रिज का हाईवे, और सामने जस्ट सामने देख रहा है ओवर ब्रिज हाईवे, और उससे हम लेफ्ट लेंगे और हाईवे पे ड्राइविंग करेंगे, मोटू ब्लॉक करेंगे। और ये है थाना हाईवे ओवर ब्रिज है, और हम देखें लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं अभी मोटू ब्लॉक करने का, एग्जाम कर चुका है हाईवे पे, ये देख सकते हैं ये है हाईवे, और ये हाईवे पे आज मोटो ब्लॉग होगा।
तो दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल में पहले बार है तो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना। और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बताते रहेंगे, हम आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो बताते रहेंगे। आप देख सकते हो अभी मैं नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ, मस्त मोटू ब्लॉग बनने के लिए बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, और ये ऊपर जो देख रहा है ना आप लोगों को, ये मेट्रो ट्रेन का, और मेट्रो ट्रेन मुंबई में मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है। और ये है हाईवे ब्लॉग, हमारा हाईवे में भी रहेगा मोटो ब्लॉग जो हम साइकिल में करेंगे। सच में गाइस, मोटो ब्लॉग साइकिल से करने से और मज़ा आता। और मैं तो और कोई ब्लॉगर होगा तो उनको भी बोलता हूँ कि मोटो ब्लॉग साइकिल से करिए। और आप देख सकते हैं अभी हम साइकिल से भी जा रहे हैं मोटो ब्लॉग पे। साइकिल से मोटो ब्लॉग करना मज़ा अलग आता है, मस्त आता है, मज़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग बनाने में साइकिल से मोटो ब्लॉग। और आज का ब्लॉग का हमको बहुत खुश लगता है, एंजॉय भी लगता है। आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है, कितना फास्ट गाड़ी चलता रहता है। और हमारा पीछे भी आप देख सकते हैं कितने गाड़ी आता रहता है, और हम फिर भी साइकिल से ब्लॉग करते रहते हैं। मस्त लगता है यार, मज़ा भी आता है साइकिल से मोटो ब्लॉग करने में। बिल्कुल रियल है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई झूठ भी नहीं है, एकदम सही है। आप देख सकते हैं साइड में गाड़ी खड़ा है, और उसका टायर आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। जो ये मेट्रो काम होता है ना, उसका सामान उठाने के लिए, ये जो ऊपर सब उठाता नहीं बड़ा बड़ा, उसको उठाने के लिए इतना बड़ा बड़ा गाड़ी भी खड़ा रहता है। आप देख सकते हैं हाईवे पे, आप देख सकते हैं ये ओवर ब्रिज है, और बेटा हम ओवर ब्रिज से नहीं जाएंगे, और हमारे पास साइकिल है और हम ऐसे नीचे से जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं नीचे से जा रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं हाईवे का ओवर ब्रिज है, और ओवर ब्रिज से नहीं जाएंगे। और हम साइकिल से मोटो ब्लॉग करें तो हम नीचे से जाना बेटर रहेगा। हम नेशनल हाईवे पे है, और वो ओवर ब्रिज है, और हम ओवर ब्रिज का नीचे ही चल रहा है साइकिल लेके, मतलब वो ओवर ब्रिज के ऊपर है और हम नीचे चल रहे हैं, ओवर ब्रिज का नीचे है। और दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हम बिबियाना मॉल पे पहुंच चुका है, ये है बिबियाना मॉल। फाइनली मोटो ब्लॉग करते करते बिबियाना मॉल पहुँच चुका है, ये है बिबियाना मॉल। और आप देख सकते हैं ये है उसका एंट्री गेट, और हमें तो कुछ शॉपिंग नहीं करना है। और ये नेशनल हाईवे बाजू में थाना में है बिबियाना मॉल, लेकिन इसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे मालूम नहीं है, और आप लोग गूगल सर्च कर दीजिए तो आपको गूगल पे मिल जाएगा मॉल, बिबियाना मॉल आप देख सकते हैं। और हम अभी भी आप देख सकते हैं साइकिल में ब्लॉग करते रहते हैं, और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रहिए, और हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे। और अभी हम बिबियाना मॉल क्रॉस कर चुका है, और आप देख सकते हैं मज़ा आ जाता है दोस्तों, मोटो ब्लॉग साइकिल में करने से मज़ा आ जाता है, मोटो ब्लॉग साइकिल में करने से मज़ा आ जाता है। ये है नेशनल हाईवे, आप देख सकते हैं अभी भी हम नेशनल हाईवे बाजू में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये है हम पहुंच चुके हैं थाने माझीवाड़ा, और ये जो इधर माझीवाड़ा है, और आप देख सकते हैं इधर तो बहुत सारा रोड आगे पीछे गया है, और हम आपको बताते रहेंगे, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रहिए। पहुँच चुके हैं थाने माझीवाड़ा, और ये है आसान थाने माझीवाड़ा, और जैसे हम आपको बताते रहे।
Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. और आगे गुरबंदर रोड रहेगा, ये गुरबंदर रोड साइड है और बहुत ट्रैफिक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ट्रैफिक है। बहुत ट्रैफिक है आप देख सकते हैं, गुरबंदर रोड में पहुँचने वाला है और थोड़ा दूर है, आप देख सकते हैं बाजू में नेशनल हाईवे है, जो मैं नेशनल हाईवे बाजू में अभी चल रहा हूँ, नेशनल हाईवे बाद में है। आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हमें आगे मोटिवेट होता है आप लोग का कमेंट पढ़ने के बाद, हमें कुछ आगे और अच्छा अच्छा ब्लॉग करने के लिए आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, मैं और इससे अच्छा अच्छा जगह दिखाता रहूँगा। अभी हम चल रहे हैं गुरबंदर रोड पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल, और आप देखिए हम बिल्कुल पैडल नहीं मार रहे हैं, हमारा साइकिल अपने आप गिरता रहता है। अभी भी देखिए हम पैडल नहीं मार रहा है और साइकिल कितना फास्ट है, और साइकिल का पैडल नहीं मार रहा है आप देख सकते हैं, और साइकिल आप देख सकते हैं कितना स्पीडी चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है आप देख सकते हैं। अभी प्याज लगा तो बना का जूस पीना है, और बना का जूस बना है, और बना का जूस बहुत प्यास लगा है, साइकिल तो मोटो ब्लॉग में कर दोस्तों, हमारा जूस रेडी हो चुका है, टेस्टी भी है। दोस्तों साइकिल 20 से 25 किलोमीटर चल रहा है, और अभी आप देख सकते हैं रोड पे जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे हम आपको बताए और हम ब्लॉग का स्टार्ट करें 2:40 हो गया था, और अभी भी हम ब्लॉगिंग में आप देख सकते हैं हमारे पास अभी टाइम हो गया 4:04 में 4:05 हो गया है, और अभी भी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको जैसे मैं बताया कि ये मोटो ब्लॉग है और हम मोटो ब्लॉग करते रहते हैं, और आप देख सकते हैं अभी भी टाइम आप देख सकते हैं 4:04 हो गया है, और अभी भी हम देख सकते हैं अभी भी हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, गुरबंदर रोड पे अभी भी मैं नेशनल पे है, मोटो ब्लॉगिंग में आप देख सकते हैं बिल्कुल। दोस्तों और आप लोग को हमारा ब्लॉग को सिर्फ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग को तो कमेंट आता था हम लोग को पढ़ के और मोटिवेट होता है कि और अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाए और अच्छा बनाए मस्त बनाए, और मोटिवेट होता आप लोग का और लाइक सब्सक्राइब करने का बाद, और आपका भाई का चैनल बहुत जल्दी 1K होने जा रहा है, सो प्लीज़ और थोड़ा सपोर्ट करिए। सकते हैं और हम ब्लॉग करते करते पहाड़ी का इलाका में आ गया है, और आप देख सकते हैं अभी सूरज डूबने लगने वाला है, और यहाँ सूरज है और सूरज इधर है और डूबने वाला है, और मतलब सूरज अस्त होने वाला है, और अभी हम पहाड़ का इलाका में आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और आगे आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ी ही है। दोस्तों मैं एक अच्छा जगह दिखाने के लिए आप लोग आया, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल एंड मस्त मस्त है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है और ये जगह। और दोस्तों अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो सो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और हमारा चैनल में पहले बार है तो फर्स्ट टाइम है तो सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भेज देना, फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग का साथ, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू, टाटा बाय।